पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं, यानी पूरब हो या पश्चिम, या फिर हमारा ये क्षेत्र यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि जब योजना समय पर पूरी होती है तो देश के पैसे का सही इस्तेमाल होता है, देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। आप मुझे बताइए, ट्रैफिक जाम को लेकर कानपुर के लोगों की शिकायत बरसों से रही है कि नहीं रही है? आपका कितना समय इसमें बर्बाद होता था, आपका कितना पैसा बर्बाद होता था। अब आज पहले फेज की 9 किलोमीटर लाइन, ये लाइन शुरू होने से इन शिकायतों के दूर होने की एक शुरुआत हुई है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 2 साल के भीतर ही ये सेक्शन शुरू होना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे देश में एक सोच रही कि जो भी कुछ नया होगा अच्छा होगा वो 3-4 बड़े शहरों में ही होगा। देश के बड़े मेट्रो शहरों के अलावा जो शहर थे उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इन शहरों में रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी ताकत है, उन्हें सुविधाएं देना कितना जरूरी है, ये पहले सरकार चलाने वाले कभी नहीं समझ पाए। इन शहरों की आकांक्षाओं को, इनमें रहने वाले करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं पर पहले जो सरकार में थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग अभी माहौल तानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी नियति नहीं थी, विकास की कोई नियति नहीं थी। अब हमारी सरकार देश के ऐसे अहम शहरों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, बिजली की दिक्कत न हो, पानी की दिक्कत न हो, सीवेज सिस्टम आधुनिक हो, इन सभी पर काम किया जा रहा है। अगर मैं मेट्रो की ही बात करूं तो कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिए, सुनिएगा ना, ध्यान से सुनेंगे ना। देखिए, सुनिए, साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें
तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। साथियों, 2014 के पहले पूरे देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, यानी मेट्रो रेल सिर्फ मेट्रो कहे जाने वाले शहरों में ही थी। आज अकेले यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। इन शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों, मिडिल क्लास परिवारों, उनको आज मेट्रो रेल की वो सुविधा मिल रही है जो मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती थी। शहरी गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भी जो प्रयास किए गए हैं, उनसे टियर 2, टियर 3 शहरों में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। साथियों, कोई भी देश हो या राज्य, असंतुलित विकास के साथ वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दशकों तक हमारे देश में ये स्थिति रही कि एक हिस्सा का तो विकास हुआ, दूसरा पीछे ही छूट गया। राज्यों के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस असमानता को दूर करना उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। समाज के हर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं उससे बराबर लाभ उनको मिल रहा है। हमारी सरकार उन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जिन्हें पहले कभी पूछा नहीं गया, जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, शहर में रहने वाले गरीबों को भी पहले की सरकारों ने बहुत नजरअंदाज किया है। ऐसे शहरी गरीबों के लिए आज पहली बार हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 से पहले के 10 वर्षों के दौरान यूपी में शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 2.5 लाख पक्के मकान ही बन पाए थे। बीते 4.5 साल में यूपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 17 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 9.5 लाख बन भी चुके हैं और बाकियों पर तेजी से काम भी चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे गांवों से बहुत से साथी शहरों में काम करने आते हैं। इनमें से बहुत से लोग शहरों में आकर रेहड़ी, ठेला, पटरी पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। आज पहली बार हमारी ही सरकार ने इन लोगों की सुध ली है।
इन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिले, ये लोग भी डिजिटल लेन देन करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ यहां कानपुर के भी अनेकों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को हुआ है। यूपी में स्वनिधि योजना के तहत 7 लाख से अधिक साथियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक दिया जा चुका है। भाइयों और बहनों, जनता जनार्दन की आवश्यकताओं को समझना, उसकी सेवा करना हम सभी का दायित्व है। डबल इंजन की सरकार यूपी की जरूरतों को समझते हुए दमदार काम कर रही है। यूपी के करोड़ों घरों में पहले पाइप से पानी नहीं पहुंचता था, आज हम घर घर जल मिशन से यूपी के हर घर तक साफ पानी पहुंचाने में जुटे हैं। कोरोना के इस कठिन काल में यूपी के 15 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन का इंतजाम हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, जो लोग पहले सरकार में थे वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि 5 साल के लिए लॉटरी लगी है, जितना हो सके यूपी को लूटते चलो, लूट लो। आपने खुद देखा है कि यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी उनमें कैसे हजारों करोड़ के घोटाले हो जाता था। इन लोगों ने कभी यूपी के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम नहीं किया, बड़े विजन के साथ काम नहीं किया। इन्होंने खुद को कभी यूपी की जनता के लिए जवाबदेह माना ही नहीं। आज डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेही के साथ यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। कौन सोच सकता था कि यूपी में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक में सुधार हो सकता है। बिजली क्यों गई लोग ये नहीं सोचते थे, उन्हें पता ही था कि घंटों कटौती होनी है, उनकी तसल्ली इसी में हो जाती थी कि बगलवा के लेके यहां भी बिजली गई है या नहीं है। साथियों, कौन सोच सकता था कि गंगा जी में गिरने वाला सीसा मऊ जैसा विशाल विकराल नाला भी एक दिन बंद हो सकता है। लेकिन ये काम हमारी डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। बीपीसीएल के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने से भी कानपुर को बहुत राहत मिलेगी। भाइयों और बहनों, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका भी यूपी को बहुत लाभ हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। अकेले यूपी में ही लगभग 1,60,00,000 गरीब परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पाइप से सस्ती गैस के कनेक्शन भी